भी अगर अपने बच्चों को पढ़ाना भेजना है तो उसके लिए भी राज्य सरकार पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी, उसको जाने आने से लेके वहां रहने खाने और वहां का पढ़ाई का पूरा खर्चा। आपका डूबी विधानसभा का भी इस बार एक हमारा नौजवान गया, क्यों 20 साल में हमारे आदिवासी दलित जिले के बच्चे विदेश नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नेता का बेटा विदेश में पढ़ेगा क्या? सिर्फ अफसर का आईएएस आईपीएस का बेटा पढ़ेगा क्या? क्या पूंजीपति का बेटा पढ़ेगा क्या? क्या गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा? आज गरीब के बच्चा, आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा भी आज विदेश में हमने 50 बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। आज हमारे इस योजना को देखकर दूसरा राज्य भी लागू कर रहा है, क्यों? इस साल में क्यों इन लोग को याद नहीं आया? आदिवासी दलित पिछड़ा लोग और यही लोग है जो इस राज्य के ओबीसी साथियों का रिजर्वेशन को खा गया। राज्य अलग होने के बाद 27% का आरक्षण था, यही आज समर्थित भाजपा का सरकार हमारे उस 27% का आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया लोग, और अब बोलता है कि ओबीसी को आरक्षण दो। यही लोग है 85 का खतियान आधारित न्यूनतम नीति लाता है, अस्था में नीति बनाता है और अभी बोलता है हाँ हम लोग तो 85 किया था, आज तो हमने ओबीसी को घटा दिया था, अब तुम लोग बढ़ा दो। अरे मेहमानों, जब हम इसको बढ़ाने जाते हैं तो कानूनी अड़ंगा कहा लगाते हो भाई? कभी इधर टांग लगाता है, कभी उधर टांग लगाता है, क्यों हमारे काम को रोकते हो? हमने कानून पारित किया ओबीसी को 27% आरक्षण देने का, 25% भी पारित किया, लेकिन गवर्नर के हाथ से वापस हो जाता है और गवर्नर किसका? भारतीय जनता पार्टी की। तो आज हम लोगों ने विधानसभा से सरना धर्म कोड भी पारित किया, हमारे आदिवासी बुजुर्गों को आगे में बढ़ाया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।